दिखाने के लिए बहुत लालची इंसान है। नहीं प्लीज। हाँ, चुपका। शहर में जितने भी कॉलेज थे इसने सारे बंद करवा दिए। कहा कि फैकल्टी सही नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है, टीचर सही नहीं है, यही सारी झूठी बातें करकर इसने कॉलेज बंद करवा दिए। और कॉलेज के ओनर से ये पैसा वसूल किया है। देखो, हम जैसे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन लेते हैं, फैसिलिटी के नाम पे तुम और फीस बढ़ाते हो और बच्चे आत्महत्या करते हैं, इसमें हमारी गलती क्या है? इंजीनियरिंग करना तुम्हारी गलती है, ये सर यही कहना चाहते हैं। मिस्टर देवराज, मलेशिया में 10वीं तक पढ़ाई करने वाला सलून में काम करके 50,000 कमा लेता है। कनाडा में मच्छी की दुकान में भी काम करोगे तो लाख रुपया पगार मिल जाएगा। मगर हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत करके BA, BCom, PhD, MSc, BSc करते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें आखिर में क्या मिलता है? 10,000 की नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। इतनी पढ़ाई के बाद भी अगर नौकरी ना मिले तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। इन सारी तकलीफों की वजह तुम लोग ही हो, आप जैसे लोगों को। ए, क्या कर रहा है? मर जाएगा ये। देखो, स्पेशल कमिटी बनी है मेरे लिए, उन सब के सामने खुद को बेगुनाह साबित करके मैं फिर से मंत्री बनकर आऊंगा तुम्हारे सामने। इस समय कुर्सी पर नहीं हूँ लेकिन गुनहगार भी नहीं हूँ। ए, चलो सब